Hello everyone, and once again I welcome all the students who are preparing hard for their exams. So without any more delay and wastage of time, today we are going to discuss the chapter which is prescribed in the given classes. These are mentioned here in these classes. The title of the chapter is The Position of Women in Ancient India. So in this essay, The Position of Women in Ancient India, the writer is Padmini Sen Gupta. She depicts a picture of the condition of women in ancient India. She portrays the women's domestic, religious, legal, and social conditions in great detail, in elaborated detail. She was treated as a goddess in her house, and it was believed that where women are honored, there the gods are pleased. So यहाँ इस चैप्टर में पत्नी सेन गुप्ता हमें पोजीशन ऑफ वेमेन के बारे में बता रही हैं. वो बता रही हैं कि कैसे प्राचीन भारत में वेमेन की डोमेस्टिक, घरेलू, धार्मिक, कानूनी और सामाजिक व्यवस्था, उसकी कंडीशन, उसका स्टेटस, रुतबा क्या था, बड़ी अच्छी डिटेल में यहाँ हमें बता रही हैं. और यहाँ यह भी बताया गया है कि एंशियंट इंडिया में वेमेन को किसी गॉडेस, किसी देवी से कम नहीं माना जाता था. और ये मानते थे लोग कि जिस घर में ऑनर का औरत का सत्कार है, ऑनर है, उस घर में भगवान भी खुश रहते हैं. सो द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया वाज फ्री एंड इमेंसिपेटेड. तो उसकी जो पोजीशन थी, जो हालात थे, जो सिचुएशन थी, काफी आजाद और फ्रीडम थी उसको. द वुमेन वर वेल एजुकेटेड, उनको पढ़ाया जाता था. दे वर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, उनको सोसाइटी में इज्जत मान दिया जाता था. They enjoyed freedom and respected status, which continued even after the Vedic period. तो वेदिक पीरियड तक उनको बहुत अच्छे से, बहुत ही आदर सत्कार के साथ सोसाइटी में मूव करने दिया जाता था. उनको कोई स्प्रेस नहीं करता था, तो they were free. During the Vedic period, the position of women was supreme. तो ये एक पीरियड था जहाँ पे वुमेन की पोजीशन जो थी वो सुप्रीम थी. She was the master of her household, अपने घर की मास्टर थी वो. And free to do what she liked, जो उसको अच्छा लगता था वो फ्रीली कर सकती थी. She managed her home and its budget. तो होममेकर थी वो, in true sense, वो घर को मैनेज भी करती थी, घर का बजट भी देखती थी. She had complete control over her husband's earnings. उसको पूरा पूरा हक था कि वो अपने हस्बैंड की कमाई को मैनेज करे, उसके ऊपर कंट्रोल रखे. Outdoor work was also allowed. उसको अलाउड था कि वो बाहर जाके भी काम कर सकती है, वो फील्ड में भी जा सकती है. Women took part in field work and farming. So they were free to do all these things. खेती-बाड़ी करना भी उनको allowed था. She could sing and dance specially on the festive events. तो उसको नाचना, गाना, बजाना, whatever she liked. घुड़सवारी करना, हथियार use करना, सब कुछ allowed था. Gradually, her position deteriorated. They became dependent on men for food and their position, protection. तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपनी वैदिक पीरियड के बाद उनकी जो पोजीशन है, इट डिटीरियोरेटेड. डिटीरियोरेटेड मींस इट बिकेम वर्स. वो थोड़ी बुरी हो गई उनकी पोजीशन, बदतर होती गई. तो दे बिकेम डिपेंडेंट ऑन मेन. वो पुरुष पे डिपेंडेंट हो गई खाने को लेके और अपनी प्रोटेक्शन को लेके. अब वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं रही जितनी पहले थी. बट बाय द टाइम ऑफ मनु, पहले बहुत अच्छा वैदिक पीरियड में अच्छा पोजीशन था उनका, लेकिन बाय द टाइम ऑफ मनु वुमेन वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. तो ये हम नहीं कह रहे हैं, दिस इज सेड इन द चैप्टर. पद्मिनी सेन गुप्ता ने इस चैप्टर में लिखा है. सो दे वर कन्फाइंड, उनको घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया. दे वर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. इट वॉज डिक्लेयर दैट फ्रीडम इज नॉट फिट फॉर देम. और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि बाहर जाने वाली आजादी उनके लिए सही नहीं है. They got so occupied with household duties that they did not have time for other activities. तो वो घर के कामों में इतनी मशरूफ थी, इतनी बिजी थी कि उनके पास टाइम ही नहीं था एंजॉयमेंट के लिए या कोई और एक्टिविटी के लिए. The way they used to enjoy earlier, जैसा वो पहले एंजॉय करती थी, अब उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं था. And gradually the women were deprived of, मतलब उनको वंचित कर दिया गया. Deprived of, उनसे ले लिए गए हक. They were deprived of, वंचित हो गई वो किनसे? Their rights and their status. अपने जो हक थे उनके, वो उनसे वंचित हो गए, उनके हक उनसे छीन लिए गए. And
देयर स्टेटस गॉट अफेक्टेड, तो उनका स्टेटस जो था वो अफेक्ट हुआ, उसके ऊपर असर हुआ। यहाँ पे ई वाला जो इफेक्ट होता है वो आप याद रखिए कि साइड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव को कहते हैं, EFFECT। बट अगर आपको वर्ब के साथ यूज करना है, एज अ वर्ब यूज करना है कि वो प्रभावित हुई, सो वी वुड राइट ए। ये मिस्टेक नहीं है, ये आप सबके लिए करेक्शन है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द वुमेन एंजॉयड फ्रीडम इन एंशियंट इंडिया। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि वुमेन इन एंशियंट इंडिया दे वर फ्री। तो क्या थी वो फ्रीडम? दैट वॉज स्वयंवर, उनका स्वयंवर होता था, वो अपनी मर्जी से अपना हस्बैंड चूज कर सकती थी। सो स्वयंवर वॉज वन सच प्रैक्टिस वेयर इन द ब्राइड वॉज अलाउड टू चूज हर हस्बैंड आउट ऑफ मेनी वर्दी यंग मैन। तो बहुत सारे वर्दी यंग मैन, ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती थी कि राजा की बेटी की शादी है और जो भी एलिजिबल बैचलर्स हैं उनको इन्वाइट किया जाता था और वो उनमें से अपनी पसंद के एक लड़के के साथ शादी कर सकती थी। इट वॉज एन एलेबोरेटेड सेरेमनी विच शोड दैट वुमेन, तो ये ऐसी एलेबोरेटेड, ऐसी जैसे हम आजकल कहते हैं बिग फैट वेडिंग्स, ऐसी एक सेरेमनी थी। एलेबोरेटेड का मतलब यहाँ भी बिग फैट वेडिंग टाइप सी है। सो ऐसी एलेबोरेटेड सेरेमनी थी विच शोड दैट वुमेन वर नॉट लेस देन मेन, लड़कियां भी अपने लिए लड़के को चूज कर सकती हैं। द मैरिज वॉज अ प्लीजिंग सेरेमनी एंड गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू मैरी फॉर लव, तो जिसको वो चाहे उससे उसके साथ शादी कर सकती हैं। और यहाँ पे जहां स्वयंवर की बात आ रही है तो एक एग्जाम्पल कोट करी गई है नल और दमयंती की। जो दमयंती है शी वॉज सो ब्यूटिफुल कि गॉड्स ने भी ये सोचा कि उसके स्वयंवर में आए, और सारे गॉड ने, वो ऑलरेडी मन में नल को चाहती थी और सारे गॉड्स नल बन के सामने आ गए। तो शी प्रेड टू गॉड कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, इन द हार्ट्स ऑफ माई हार्ट आई एम ऑलरेडी यू नो मैरिड टू नल, तो काइंडली गाइड मी। तो भगवान ने उनको कैसे हिंट दिया, सारे के सारे जितने नल खड़े थे, भगवान जो देवता नल का रूप लेके खड़े थे, क्योंकि वो नॉन ह्यूमन बींग्स थे, वो सुपर नेचुरल बींग थे, किसी का भी शेडो कास्ट नहीं हो रहा था। इट वॉज ओनली द ओरिजिनल नल, द ह्यूमन फिगर हु हैड अ शेडो, उसकी परछाई पड़ रही थी। एंड शी गॉट टू नो हु इज द करेक्ट मैन, हु इज द मैन ऑफ अ लाइफ, और उन्होंने दमयंती ने नल को इससे चूज किया। तो ये स्वयंवर में हुआ था उनके। सो जब ये स्वयंवर होता था, देवर लोडेड विद ऑर्नमेंट्स एंड रिच गार्मेंट्स, उनको लोड किया जाता था, बड़े भारी भरकम कपड़े और गहने पहनती थी फीमेल्स। द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी वॉज ऑल्सो कॉमन, तो डॉरी सिस्टम भी था, लेकिन ऐसे नहीं था कि डॉरी के लिए किसी को जला दो, किसी को मार दो, ऐसा नहीं था, तो एक रिचुअल सा था ये। अ चाइल्डलेस विडो वॉज ऑल्सो अलाउड टू रीमैरी, तो अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो अगर कोई इश्यू नहीं है तो उनको रीमैरी करना भी अलाउ करते थे। बट एक टाइम ऐसा भी आया था कि देवर नॉट गिवन, लाइक देवर नॉट अलाउड टू वियर ऑर्नमेंट्स, उनके हेड शेव करने, तो ऐसे ऐसे समय भी एंशियंट इंडिया में जरूर आए हैं। इट वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर आर वुमेन टू कमिट सती, तो जरूरी नहीं था उनके लिए, जैसे हमें पुरानी पिक्चर्स में भी दिखाते हैं कि सती प्रथा थी, तो सती प्रथा कंपल्शन नहीं थी। So in the later years, the legal position of women was not very strong. तो पहले बहुत strong थी, she was the homemaker, control था सारे पैसे का उनके हाथ में, later on नहीं था। और जो women के relationship, जैसे हम सास बहू के serial में देखते हैं कि they are always after each other's life, ऐसा नहीं था। They had good bonding, बहुत अच्छे से माहौल होता था पुराने समय में। तो but later on legal position इतनी strong नहीं रही, she was considered her husband's property. अब वो नहीं चलाएंगी घर को, हस्बैंड चलाएंगे, ऐसा सा माहौल बन गया। द अनमैरिड डॉटर वॉज इंटाइटल्ड टू हैव द शेयर ऑफ अ फादर्स प्रॉपर्टी, तो ये अलाउड था कि बेटी को भी शेयर मिलेगा, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाती है तो इसका केयर टेकर भाई होगा, अगर शादी होगी तो वो भाई उसकी शादी में डॉरी दे देगा, नहीं तो वो उसकी जीवन को बिताने के लिए एक अमाउंट फादर की तरफ से उसको मिल जाएगी। सो दैट इज ऑल, ये सारी बहुत मेजर हाइलाइट्स हैं इस चैप्टर की, विच कैन हेल्प यू आउट इन राइटिंग द आंसर अप्रोप्रिएटली। ऑन द होल इट कैन बी सेड दैट वुमेन हैड सीन अप्स एंड डाउन्स इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। देयर वाज टाइम व्हेन शी वाज कंसिडर्ड अ गॉडेस इन हर हाउसहोल्ड, एंड देन देयर वाज टाइम व्हेन शी वाज टेकन एज अ सेकेंडरी ह्यूमन बींग, तो एक टाइम था जब उसको बहुत अच्छे से रखा जाता था, एक ऐसा भी टाइम था जब उसको सेकेंडरी ह्यूमन बींग, जैसे सेकेंड सिटीजन का स्टेटस दे दिया कि शी इज अ वुमन। बट द टाइम हैज कम व्हेन शी नीड्स टू बी गिवन इक्वल स्टेटस एंड रिस्पेक्ट एज मेन हैव,
तो अब टाइम आ गया है कि उसको भी उतनी ही इज्जत और वही स्टेटस मिले, वही रुतबा मिले जो मेल्स को मिलता है. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर ऑन दिस गिवन ईमेल आईडी एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल एंड यू विल बी डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.